हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था एक्सपायरी डे, डे क्लोज हो चुका है एकदम। आज टिपिकल एक्सपायरी डे था, मार्केट साइडवेज, ऑप्शन सेलर का डे था आज। ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं कर पाए आज मार्केट में, ओके। हम भी कुछ भी नहीं कमा पाए इंडेक्स में, ओके। बट स्टॉक ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, ओके। स्टॉक ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल लिया हमने, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, एकदम कम, मिनिमम सा प्रॉफिट आज निकाला है, ओके। हर रोज़ अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं, आज थोड़ा कम प्रॉफिट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं बोलता हूँ, हर दिन ट्रेड के लिए नहीं होता है, हर दिन प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बीच बीच में लॉस भी करना पड़ता है, अच्छा होता है लॉस भी, ओके, लॉस भी अच्छा है। तो फिर भी आपको अगर जानना है आज हमने प्रीमियम में कौन सा कॉल्स लिया था, वो सब का डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और चेक कर लो। टेलीग्राम में फ्री में भी प्रोवाइड किया था कुछ कॉल्स, उसका कुछ ने प्रॉफिट भी दिया था, कुछ एसएल भी हिट हुआ है, चेक कर लो वहाँ पर जाकर, ओके गाइस। और अगर प्रीमियम गाइडेंस चाहिए आपको हमारे, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ऊपर व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिलेगा। मिनिमम फीस है, फीस पे करके ज्वाइन हो सकते हो हमारे कम्युनिटी और हर रोज़ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेवल्स निकाल लो, ओके। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक करके वॉच लेटर पे डाल दो अगर टाइम नहीं है तो, ओके। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलना, तो इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का तभी मिल पाएगा, ओके। तो लेवल्स निकाल लो, ये सब इंपॉर्टेंस लेवल है। तो आज देखो टिपिकल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया और दोबारा थोड़ा सा पुल बैक लिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट, ओके। कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा नीचे गिरा और जिस पॉइंट के नीचे मैंने बोला था आपको सेल करना है, उस पॉइंट से रिजेक्शन लेकर दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, ऐसा करके मार्केट टोटल साइडवेज रहा, ओके। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ही मेजर सपोर्ट बन चुका है अभी, ओके। तो आज तो हमने कुछ नहीं कर पाया, बट कल क्या करेंगे, ये जो मेजर सपोर्ट बन चुका है ये वाला लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो सिंपली हमारा जो कल वाला लेवल्स था वो लेवल सेम ही रहेगा, बस ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम दोबारा सेल करेंगे, ओके। तो ये सेल वाला बटन को इधर लाते, ओके, इसको अगर ब्रेक करके दोबारा सेल करेंगे, बट हम बाय कब करेंगे, इस लेवल्स को ब्रेक करने के बाद हम बाय नहीं करेंगे, बाय थोड़ा पहले ही कर लेंगे। कब करेंगे, आज देखो ये एक एरिया है जहाँ पर कंसोलिडेट किया मार्केट और रिजेक्शन लिया दो बार, ओके। यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया, अगर इस लाइन को एक्सटेंड करो तो यहाँ तक आता है, ओके। यहाँ पर भी लिया था, ओके, अगर एक्सटेंड करो यहाँ पर भी लिया था थोड़ा सा, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है मेजर सा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, इसके ऊपर हम बाय करेंगे कल। ये वाला पॉइंट ले लिया और इसके ऊपर हम बाय करेंगे, सिंपल। हमारा एक नैरो डाउन कर दिया मैंने, ये नो ट्रेडिंग जोन रहा, इसके अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लेना होगा तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम सेल करेंगे और टारगेट नीचे होगा आपको मिलेगा, ओके। टारगेट ये है, ओके, ब्रेक डाउन के बाद सेल करोगे और ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। तो सिंपल बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है, फिर भी एक बार हम वन डे के चार्ट पे जाकर देखते हैं कैसा कैंडल फॉर्म हुआ है आज, ओके। इनसाइड बार बन सकता है इसलिए मैं चेक कर दूँ एक बार, ओके। देखिए इनसाइड बार कैंडल बना है, जिसको इनसाइड बार कैंडल का स्ट्रेटेजी नहीं पता है तो काइंडली मैं लास्ट वीक अपलोड कर चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देखो और अप्लाई करो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करो, ओके। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना होता है, इसके हाई के ऊपर लॉन्ग करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, इसके लो के नीचे हमको सेल करना पड़ता है, यही है स्ट्रेटजी, ओके। वीडियो देख लो, वहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है। तो कैंडल भरा है इसलिए देखिए मैंने कैंडल के टॉप पे नहीं, टॉप के नीचे ही मैंने आपको बोलिए यहाँ पर से बाय कर सकते हो, यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा, ओके। अब वन अर्ली चार्ट पे देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए मार्केट कुछ ऐसा मूव हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट,
यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ही कर लेता हूँ मैं। ओके कुछ ऐसा, अगर यहाँ से जाते कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ट्रायंगल सा फॉर्म कर रहा है। आइडर अपसाइड ये ब्रेकआउट दे सकता है, नहीं तो डाउनसाइड ब्रेक कर सकता है ये। अगर ब्रेक कर गया तो यहाँ तक आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा, और अपसाइड फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आपको मिल जाएगा। ओके सेकंड टारगेट यहाँ तक, और थर्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको मिल सकता है। ओके तो गाइस बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है, सिंपल सा एनालिसिस है। ओके जो लेवल्स हैं मार्क कर लो, इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना, कल अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे। ओके तो अब चलते हैं निफ्टी में। ओके हम आ चुके हैं निफ्टी पे। मैंने कल क्या बताया था, इस लेवल्स के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप क्या करोगे, आप करोगे सेल। ओके बट यहाँ पर ओपन नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। ओके थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ मार्केट, इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर गया, जाकर दोबारा इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर इसके नीचे आपको सेल करना था, इसको ब्रेक करके नीचे आया, तो अगर आप अगर सेल करते तो यहाँ से सिंपली आपको यहाँ तक का, ओके यहाँ तक का प्रॉफिट निफ्टी में मिल जाता। ओके इतना सा पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली मिल जाता। हमने भी काम नहीं किया निफ्टी में, कोई बात नहीं, अगर आपने किया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको इजीली मिल गया होगा। ओके और जिसको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पता है, वो जब यहाँ से दोबारा रिट्रेस हुआ नीचे आया, इस पॉइंट पे भी वो सेल करके कमा सकते थे इजीली अपॉर्चुनिटी था। अगर जिसको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह का नॉलेज नहीं है तो कहीं कमेंट करके बताओ, मैं एक वीडियो लाऊंगा इसके बारे में, एक नहीं मतलब एक सीरीज लाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ओके तो सिंपली निफ्टी भी साइडवेज था, फिर भी एक मौका दिया था हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम कर प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके तो निफ्टी क्या है, निफ्टी भी साइडवेज रहा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके और दोबारा ये जो है स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस वाला जोन के पास आकर ख़त्म, यहाँ पर रिजेक्शन लेकर अगर इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी जाएगा ऊपर, अदरवाइज दोबारा निफ्टी आएगा नीचे यहाँ तक। ओके तो हमको जाना पड़ेगा डेली चार्ट पे, एक बार चेक करते हैं प्रीवियस लेवल्स को, डिलीट कर लेता हूँ मैं। ओके इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओके इसी रेंज पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आज गैप डाउन ओपन हुआ था बट ये वाला जो सपोर्ट वाला एरिया था इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया गया है। ओके तो हम ये वाला लेवल्स को एक बार मार्क कर लेते हैं। ओके इसको मार्क कर लिया मैंने, ये वाला लेवल से मार्क कर लिया, और आज का जो लो है वो भी मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। ओके अब चलते 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, और चेक करते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है निफ्टी, क्या इंडिकेट कर रहा है, हम चेक करते एक बार, कोशिश करते चेक करने की। ओके एक डोजी बना था, ओके डोजी के हाई के ऊपर गया था बट वहाँ से रिजेक्शन लेकर क्लोज हुआ है। एक यहाँ पर इनसाइड बार भी बना है, दो मारो बजू कैंडल। ओके तो इसका जो हाई है, अगर हाई ब्रेक करेगा तो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है मार्केट ऊपर जाने का। ओके अब 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा काइंडली कमेंट करके पूछना। ओके कब ऑल टाइम हाई तक जाएगा देखते हैं हम। आ गए कहाँ पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसे नीचे आ रहा था एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके, बट लास्ट टाइम इसको ब्रेक कर रहे ये वाला लास्ट वाला कैंडल। ओके 15 मिनट्स के कैंडल पर चलते टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके अब यहाँ पर हम फाइनल एनालाइज करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए लास्ट टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ये वाला जो एक एरिया है यहाँ पर क्लोजिंग दिया, मल्टीपल इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने। ओके मतलब ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली बाय करेंगे। तो हम लेवल्स मार्क करते हैं, ये कर लेते हैं। ओके सिंपली इसके ऊपर हम बाय करेंगे, फिबोनाची वगैरह भी चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
सेल कब करेंगे, ये वाला जो लाइन है इसके नीचे हम सेल करेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे। थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ेगा, तो मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे जाकर बताऊंगा। अब चलते फिबोनाची लगाते हैं एक बार। हाई से लो तक लगा लिया फिबोनाची, कौन सा पॉइंट ब्रेक किया, 38.2% को ब्रेक किया, ओके कोई दिक्कत नहीं। और 61.8% का जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, ट्रेंड चेंज होगा। ओके अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड में ही है निफ्टी। ओके दोबारा एक बार फिबोनाची लगाते हैं। ओके आज के लो से हाई तक लगाया, 61.8% से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा चुका है। ओके तो इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ओके तो सिंपल सा एनालिसिस हो चुका है निफ्टी में। अब ये जो बीच वाला एरिया है नो ट्रेडिंग जोन, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करने के लिए मैं चलता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके आ चुका हो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे देखते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन लेकर नीचे गिर गया, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो अब ये दोबारा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो इस पॉइंट के नीचे ही हम सेल कर सकते हैं। ओके स्मॉल प्रॉफिट बुक करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, नहीं ये कर देते हैं, हाँ ये वाला पॉइंट कर देते हैं। मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फ्लिप जोन जैसा काम किया ये वाला लेवल्स, तो इसके नीचे भी हम शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया आपको। ओके तो सिंपली इसके ऊपर बाय करना है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके नीचे शॉर्ट करना है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होकर इसको ब्रेक करता है तो शॉर्ट करना है आपको इजीली, टारगेट ये रहेगा, टेलीग्राम पे आपको टारगेट मिल जाएगा सिंपली। तो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुका है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, कि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और गाइस हाँ, अगर आपका लॉस हो रहा है शेयर मार्केट में, तो एक मैंने न्यू वीडियो अपलोड किया है बिगिनर्स लेसन का, सेक्शन पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो कि लॉस होता है डीमैट अकाउंट के वजह से, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही, हैव ए गुड डे।